सीएसए यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानी ने बताया कि देश भर में बने मौसमी सिस्टम जम्मू कश्मीर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। 18 जनवरी तक एक और पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय तक पहुंचने की उम्मीद है। अरब सागर और उससे सटे कोंकण तट के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 48 घंटे तक कानपुर सहित पूरे मंडल में कोल्ड कंडीशन बनी रहेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे का कहना है कि अगले दो दिन तक सुबह शाम घने कोहरे के साथ कोल्ड कंडीशन जारी रहेगी। बादलों की आवाजाही के बीच सूर्य की गर्मी मंद रहेगी, जिससे दिन में लगातार सर्दी का एहसास होता रहेगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान विभाग से मैं कृषि मौसम वैज्ञानिक एसएन सुनील पांडे। जैसा कि मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे तक सुबह शाम कोहरा और शीतलहर कोल्ड डे कंडीशन जारी रहेगी। इसके बाद बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। 22 से 23 तारीख में पूरे कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी से हल्की बारिश की भी संभावना न्यूमेरिकल मॉडल देखने पर प्रतीत हो रही है। धन्यवाद।